क्या टिकटॉक यूज करना सेफ है? कुछ ही दिनों पहले टिकटॉक क्रॉस्ड 1 बिलियन डाउनलोड्स वर्ल्ड वाइड। इसका मतलब है कि 1/7 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज यूजिंग टिकटॉक। इस ऐप पर किस टाइप का कंटेंट होता है, वो क्या सोशल मैसेज देता है, वो अच्छा है या नहीं, ये सब बात की बात है। राइट नाउ आई वॉन्ट टू शेयर विथ यू समथिंग वेरी डेंजरस दैट आई डिस्कवर्ड अबाउट टिकटॉक। यू थिंक दैट आई एम मेकिंग सेंस, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए क्योंकि इस वीडियो से किसी ना किसी को हेल्प हो सकती है। आज एक्चुअली मैं बहुत एडवेंचरस फील कर रहा था तो मैंने टिकटॉक डाउनलोड किया और मुझे एक काफी अजीब चीज रियलाइज हुई। यू सी, जब आप कोई वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश करता है तब टिकटॉक आपसे आपकी कैमरा की, ऑडियो रिकॉर्ड करने की और SD कार्ड एक्सेस करने की परमिशन मांगता है। ये सारे परमिशंस मांगना बहुत सारे ऐप्स में कॉमन होता है, लेकिन प्रॉब्लम उस चीज की है जिसकी परमिशन टिकटॉक आपसे मांगता नहीं है लेकिन फिर भी डेटा आपसे चुराता है। दैट्स योर लोकेशन। आप ये खुद चेक कर सकते हैं। सेटिंग्स में जाइए और ऐप परमिशंस में जाकर टिकटॉक को सर्च कीजिए। लोकेशन का कहीं पे मेंशन भी नहीं होगा। लैंग्वेज सिलेक्ट करते वक्त मैंने सिर्फ इंग्लिश सिलेक्ट किया था, फिर भी मेरे फीड में हिंदी वीडियोस है, मराठी वीडियोस भी है। टिकटॉक को कैसे पता चल रहा है कि आप कहां पे? जस्ट एज अ प्रिकॉशन मैंने लोकेशन भी ऑफ कर दिया था। लोकेशन ऑफ करने के बाद गूगल मैप्स भी ठीक से नहीं चल पाता, आरोग्य सेतु ऐप भी नहीं चलता। दीज इंपॉर्टेंट ऐप्स ऑल्सो कांट वर्क विदाउट यू गिविंग देम द परमिशन। मैं मुंबई में हूँ, मुझे मराठी आता है, मुझे हिंदी आता है, ये टिकटॉक को कैसे पता चल रहा है? इफ यू वॉन्ट टू चीट योर लोकेशन, देर इज अ वेरी सिंपल ट्रिक कॉल्ड अ VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ओके, सो मैं अभी एक VPN यूज कर रहा हूँ और मेरा लोकेशन मैंने USA में सेट किया। ऑन YouTube, ऑल द एड्स दैट आई एम गेटिंग ओवर हियर आर फ्रॉम द US। सो मैंने YouTube को ट्रिक कर दिया। एज यू कैन सी, मेरा हॉटस्टार नहीं चल रहा है। और मजे की बात यह है कि अगर मैं टिकटॉक पे जाता हूँ तो आई कैन सी ऑल द सेम वीडियोस। सो हाउ इज टिकटॉक डूइंग इट? I found the answer. TikTok is using the data from your SIM card. जो सारा इन्फॉर्मेशन जा रहा है वो मेरे सिम कार्ड से जा रहा है। क्या आपको समझ रहा है कि ये कितना डेंजरस है, कितना सिनिस्टर है? सीधे सिम कार्ड से आपकी रीजनल इन्फॉर्मेशन लेना, डोंट यू थिंक एक वीडियो शेयरिंग ऐप के लिए ओवरकिल है, अननेसेसरी है? एंड द वर्स्ट पार्ट इज, इसके बारे में कोई वार्निंग नहीं है। द ऐप जस्ट सेज कि वी विल ऑटोमेटिकली कलेक्ट इट, दैट्स इट। ये डिस्कवर करने के बाद मैंने टिकटॉक की प्राइवेसी पॉलिसी कंप्लीटली पढ़ी और उसमें मुझे कुछ ऑब्जेक्शनेबल पॉइंट्स दिखे। इफ यू लिंक एनी सोशल मीडिया अकाउंट टू टिकटॉक, देन टिकटॉक वहां की इन्फॉर्मेशन यूज कर सकता है आपके बारे में जानने के लिए। टिकटॉक कंटेंट डिलीवरी के लिए HTTP सर्वर्स यूज करता है, HTTPS नहीं, सिक्योर सर्वर्स नहीं, तो ये सर्वर्स हैक हो सकता है। इस वीडियो में किसी ने डेमोंस्ट्रेट किया है कि कैसे ऑफिशियल अकाउंट से एक गलत मैसेज फॉरवर्ड हो सकता है। आपका अकाउंट डिलीट होने के बाद भी टिकटॉक जब तक चाहे आपका डेटा उनके सर्वर्स में रख सकता है। और मेरा टिकटॉक के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कि ByteDance जो टिकटॉक की पेरेंट कंपनी है वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है। उनका प्रोडक्ट कंटेंट क्रिएशन का प्लेटफॉर्म नहीं है, उनका प्रोडक्ट है एल्गोरिथम। यू सी, चाइना वांट्स टू बी अ सुपर पावर इन AI बाय 2030। कंप्यूटर की भाषा क्या होती है? जीरोस एंड वंस, बाइनरी। और वही टिकटॉक आपको करने के लिए बोलता है। व्हेनेवर यू आर वॉचिंग अ वीडियो ऑन टिकटॉक, यू आर टेकिंग अ सर्वे, यू आर टेलिंग, यू आर फीडिंग इन्फॉर्मेशन टू द कंप्यूटर, टेलिंग देम व्हाट यू लाइक, व्हाट यू डोंट लाइक, व्हाट यू अग्री विद एंड व्हाट यू डोंट अग्री विद, एंड ऑल ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन इज गोइंग टू चाइना। आपको क्या लगता है, क्या ये सही हो रहा है? Tell me in the comments below. In social media, artificial intelligence changes the game completely. Computer decide करता है कि आपको क्या देखना चाहिए और क्या नहीं देखना चाहिए। Search का option ना होने की वजह से platform control करता है कि आप क्या देखेंगे और ये एक बड़ा problem है। Okay, so China पर आता है। China में ऐसा law है कि if you are a Chinese company, then you have to share the data that you collect with the Chinese government. And because of this, इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने आर्म्ड फोर्सेस को 42 एप्स अपने फोन से डिलीट करने के लिए कहा। इंडिया डज नॉट हैव अ प्रॉपर डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, वी आवरसेल्व्स नीड टू बी एक्स्ट्रा सेफ। चाइना में फ्रीडम ऑफ प्रेस है ही नहीं, पूरी प्रेस गवर्नमेंट के कंट्रोल में। सीरिया, सऊदी अरेबिया, अफगानिस्तान, सोमालिया, ये कंट्रीज भी फ्रीडम ऑफ प्रेस की स्केल पर चाइना से ऊपर आती हैं। और यही सारे रेस्ट्रिक्शंस उन सारे लोगों पर भी अप्लाई हो जाते हैं जो चाइनीज एप्स यूज करते हैं। स्टार्ट टॉकिंग अबाउट तिब्बत, स्टार्ट टॉकिंग अबाउट हांगकांग, स्टार्ट टॉकिंग अबाउट ताइवान। अगर आपका वीडियो स्ट्रेट अवे बैन नहीं हुआ तो वो ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंचेगा। यू सी, आज चाइना को तिब्बत से प्रॉब्लम है, कल अरुणाचल प्रदेश से भी हो सकती है, लद्दाख से भी हो सकती है। इफ यू कांट टॉक अबाउट दिस स्टफ, हाउ विल यू नो अबाउट इट? हाउ विल यू रेज योर वॉइस? एंड बाय यूजिंग दीस चाइनीज एप्स, वी आर सपोर्टिंग चाइनाज वर्जन ऑफ द इंटरनेट। प्राइवेसी ऑन द इंटरनेट इज अ मिथ। हम जब भी कोई सर्विस फ्री में यूज करते हैं तो हम उनके प्रोडक्ट होते हैं, हमारा डेटा हमारी करेंसी होता है। शुड यू डिलीट टिकटॉक और एनी अदर ऐप फॉर दैट मैटर, ये बताने वाला मैं कोई नहीं होता। But you can definitely take some precautions. If you have Chinese apps on your phones, then don't use UPI or any net banking apps on the same phone. When creating an account, don't use Google to sign in. Create a new account, use a different password.
Cyber theft is real. Keep changing your passwords and keep your emails safe. If you go to haveibeenpwned.com, you can find out whether your personal information has been breached. All I want to say is this is not TikTok versus YouTube. I am giving you TikTok's example because TikTok is popular and you can check it yourself. If you are a TikTok creator, then this concerns you more than me because aapka data zyada share ho raha hai. It's important for you to know ki China ke products ko sasta mat samjhiye. China ke apps ko free mat samjhiye. Because everything comes at a cost. My question is, can you pay the price?